क्या आप ये जानते हैं कि एक सामान्य तौर पर एक व्यक्ति कितने बीमा ले सकता है? आज के इस टॉपिक में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। आप वास्तव में कितना बीमा ले सकते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना अगर आपने एक बड़ी रकम का बीमा ले लिया है और बाद में अगर उसे क्लेम करने की नौबत आती है तो बीमा कंपनी आपके नॉमिनी को दावे की रकम देने से मना कर सकता है। ऐसे में कुछ सामान्य नियम है जो कि आपको जरूर जान लेने चाहिए। बीमा पॉलिसी धारक और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी भी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं किया जाए ये पॉलिसी धारक और बीमा कंपनियों के रूल्स पर पूरी तरह से निर्भर करता है। इस प्रक्रिया को अंडरराइटिंग के रूप में जाना जाता है। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हम प्रीमियम देकर कितने का भी बीमा ले सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति को बीमा उसके वित्तीय आधार, उम्र, मेडिकल रिपोर्ट्स, व्यवसाय इत्यादि पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति को बीमा लेने के लिए एक लिमिट होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई 10,000 रुपये मासिक कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो चाहे कि 10 करोड़ का बीमा मिल जाएगा और प्रीमियम देने को भी वो तैयार है, तब भी उसे बीमा नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति, जिसको कि डॉक्टरों के बचने की आस छोड़ दी हो, ऐसा व्यक्ति चाहे कि उसके परिवार के लिए उसको बीमा मिल जाए और वो भारी भरकम प्रीमियम देने को भी तैयार हो, तो भी बीमा कंपनी उसे बीमा नहीं देगी। तो आइए जानते हैं कि बीमा मिलने के लिए क्या क्या आधार होते हैं और व्यक्ति को कितना बीमा कवर मिल सकता है पहले हम बात करते हैं वित्तीय आधार यानी कि फाइनेंशियली आधार के बारे में। उम्र सीमा 0 से 35 वर्ष की बात करें, अगर व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये वार्षिक से कम है तो व्यक्ति उसकी वार्षिक आय का 25 गुना तक बीमा करवा सकता है। अगर व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उस व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय का 30 गुना बीमा कवर मिल सकता है। अगर आपकी एज 36 साल से 45 साल के बीच है और व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए वार्षिक है तो उस व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय का 20 गुना बीमा मिल जाएगा। अगर वही व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक है तो उस व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय का 25 गुना इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर आपकी एज 46 साल से 50 साल के बीच है और आपकी इनकम 10 लाख रुपए वार्षिक से कम है तो उस व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय का 15 गुना इंश्योरेंस मिल सकता है। वहीं अगर व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को 20 गुना तक इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब उम्र सीमा की बात करें 51 साल से 55 साल के बीच, तो उस व्यक्ति को उसकी वार्षिक आय का 15 गुना बीमा मिल जाएगा। उम्र अगर 56 साल से ज़्यादा हो तो व्यक्ति की उम्र 56 साल से ऊपर है तो उस व्यक्ति की वार्षिक आय का उसे 10 गुना बीमा दे दिया जा सकता है। अब अगर बच्चा नाबालिग है तो उसे कितने तक का बीमा मिलेगा? किसी भी नाबालिग बच्चे को 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस दिया जा सकता है, लेकिन बच्चे का इंश्योरेंस उसके अभिभावक की आय और उनके इंश्योरेंस पर भी निर्भर करता है। अगर उसका अभिभावक यानी कि माता पिता का इंश्योरेंस बच्चे के इंश्योरेंस से कम है तो बीमा कंपनी बच्चे को केवल 25 लाख रुपए से अधिक का इंश्योरेंस नहीं दे सकती। लेकिन अगर बच्चा 18 साल पूरे कर चुका है और अभी पढ़ रहा है तो बच्चे को 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस बिना अभिभावक के इंश्योरेंस के भी दिया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं वार्षिक आय का क्या मतलब होता है। वार्षिक आय का मतलब 3 सालों की औसत आय से होता है। कम बीमा धन में ये 1 या 2 साल की आय पर भी निर्भर करता है। यह केवल प्रस्तावक द्वारा ब्यौरा देने में सत्यापित माना जाता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट का बीमा लेने के लिए 3 सालों का आय का ब्यौरा और फॉर्म 16, ITR, सैलरी स्लिप इत्यादि देना होता है। अगर कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा का बीमा लेना चाहता है तो बीमा कंपनी द्वारा 20% अधिक बीमा उसकी मेडिकल रिपोर्ट, जीवन स्तर और जीवन शैली के आधार पर ब्रांच मैनेजर लेवल या फिर ऊपर के अधिकारियों को स्वीकृत किया जाता है। चलिए आप जानते हैं बीमा लेने के दूसरे आधार कौन से हैं। पहला तो है एज। कम आयु में कोई भी व्यक्ति अधिक बीमा ले सकता है तथा बीमा प्रीमियम की रकम भी कम होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बीमा की रकम भी कम होती जाती है और प्रीमियम बढ़ता चला जाता है। जितनी बड़ी आयु में बीमा लिया जाता है बीमा कंपनी उतने ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट मांगती है। दूसरा आधार है लिंग। बीमा कंपनियों द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग प्रीमियम या फिर बीमा की रकम अलग हो सकती है। महिलाओं की प्रेगनेंसी तथा उसके 3 महीने बाद के दौरान और दूसरी कंडीशंस में बीमा प्रस्ताव को मना या फिर अधिक प्रीमियम के साथ ही स्वीकार किया जाता है। अगला आधार है नाबालिग बच्चे।
नाबालिग बच्चों का बीमा माता पिता की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है और नाबालिग बच्चे की शारीरिक काया ठीक से विकसित होनी चाहिए और माता पिता भी पर्याप्त रूप से बीमित होने चाहिए। उसके बाद अगला आधार आता है शारीरिक स्थिति। बीमा लेने वाले व्यक्ति की शारीरिक कंडीशन जैसे कि लंबाई, वजन, BMI आदि बीमा कंपनियां जांच करवाती हैं। नॉर्मल होने पर नॉर्मल प्रीमियम और नॉर्मल ना होने पर अधिक प्रीमियम वाला बीमा दिया जा सकता है या फिर मना भी किया जा सकता है। उसके बाद अगला आधार आता है पारिवारिक हिस्ट्री। बीमा कंपनियां अपने प्रस्ताव में पारिवारिक हिस्ट्री यानी कि परिवार के सभी की उम्र और बीमारियों के इतिहास के बारे में जरूर पूछती है। अगर बीमा लेने वाले व्यक्ति के परिवार में बीमारी के बारे में कोई जिक्र होता है तो बीमा कंपनी प्रस्तावक का मेडिकल करा सकती है या फिर बीमा का प्रीमियम या बीमे की रकम में बदलाव भी कर सकती है। बीमा लेने का अगला आधार है व्यावसायिक जोखिम। अगर बीमा लेने वाले किसी ऐसे व्यवसाय में काम करता है जहां पर जोखिम हो सकता है, जैसे कि बीमा लेने वाले किसी एक्सरे लैब में काम करता है और उसके शरीर पर एक्सरे रेडिएशन का प्रभाव जल्दी हो सकता है तथा जीवन का जोखिम भी हमेशा बना रहता है, ऐसी कंडीशन में बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम को बढ़ाया जा सकता है या फिर मेडिकल जाँच भी कराई जा सकती है। उसके बाद अगला आधार आता है जीवन शैली। बीमा लेने वाले की आदतों जैसे कि शराब पीना, स्मोकिंग करना, गुटखा खाना इत्यादि के बारे में प्रस्तावक से जरूर पूछा जाता है। अगर मेडिकल जांच में इन आदतों की वजह से शरीर के किसी अंग पर कोई अत्यधिक प्रभाव होता है तो बीमा कंपनी बीमा देने से मना कर सकती है या फिर इसी आधार पर बीमा की रकम या फिर बीमा का प्रीमियम भी बदला जा सकता है। अगला आधार है मेडिकल जाँच। इंश्योरेंस देने के लिए बीमा कंपनी वित्तीय आधार के साथ साथ मेडिकल आधार भी देखती है। इसे उम्र के हिसाब से बांटा गया है। मेडिकल आधार भी पॉलिसी लेने के प्रोफेशन और सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। बीमे की रकम के साथ साथ जांच का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। बीमा कंपनी बिना मेडिकल के उम्र के हिसाब से बीमा देती है, जो कि कम उम्र पर यानी कि 18 से 35 साल पर 8 लाख रुपए, 36 साल से 45 साल की उम्र पर 5 लाख रुपए, 46 साल से 50 साल की उम्र पर 3 लाख रुपए तक का बीमा हो सकता है। एक मुश्त प्रीमियम या फिर सिंगल प्रीमियम पर ज़्यादा भी बीमा दिया जा सकता है, जो कि बिना मेडिकल के दिया जाता है। इससे ऊपर की बीमा करवाने के लिए उस व्यक्ति को मेडिकल जांच कराना होता है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, PSU या प्रख्यात कंपनी में काम करता है तो उनके लिए बीमा की रकम 18 से 35 साल पर 30 लाख रुपए, 36 से 45 साल पर 20 लाख रुपए, 46 से 50 साल पर 10 लाख रुपए हो सकती है, जो बिना किसी मेडिकल जांच के भी दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, तो ऐसे में 18 से 35 साल के व्यक्ति को 25 लाख रुपए, 36 से 45 साल के व्यक्ति को 15 लाख रुपए और 46 से 50 साल की उम्र वाले को 8 लाख रुपए का बीमा बिना मेडिकल के दिया जा सकता है। उसके ऊपर का बीमा कराने के लिए कंपनी आपसे मेडिकल करवा सकती है। उसके अलावा अगर आप किसी छोटे बच्चे का बीमा कराना चाहते हैं तो बिना मेडिकल के 0 से 9 साल तक 40 लाख रुपए, 10 से 17 साल की उम्र के लिए 15 लाख रुपए तक का बीमा कराया जा सकता है। वयस्क विद्यार्थी बच्चों को जिनकी उम्र 30 साल से कम है 20 लाख रुपए तक का बीमा मेडिकल के बिना लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बड़े अमाउंट का बीमा लेना चाहता है तो बीमे की राशि जितनी बड़ी होगी बीमा कंपनी बीमा देते वक्त उतना ही ज़्यादा ध्यान रखेगी। जैसे जैसे बीमा राशि बड़ी होती चली जाएगी पॉलिसी धारक की आय और उसके मेडिकल से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बीमे में मेडिकल जांच का स्तर भी बढ़ता चला जाता है क्योंकि बीमा कंपनियां अपना जोखिम देखती हैं। बीमा कंपनियां विभिन्न जोखिम के आधार पर यह निर्धारित करती हैं कि व्यक्ति को बीमा दिया जा सकता है या फिर नहीं, वरना उसे कितना बीमा दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को मेडिकल की आवश्यकता है या फिर नहीं है, अगर है तो किस तरह के मेडिकल की ज़रूरत है, इसके अलावा उस व्यक्ति को नॉर्मल दरों पर बीमा दिया जा सकता है या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम या हाई प्रीमियम पर बीमा दिया जाना है, ये सारी बातें कंपनी खुद ही डिसाइड करती है। चलिए आप जानते हैं कि क्लेम के समय आपको परेशानी किन किन बातों की वजह से होती है। जब भी आप किसी बीमे के लिए कोई प्रस्ताव फॉर्म भरते हैं उसमें दिए गए सभी कॉलम्स को ध्यान से पढ़ें तभी उस फॉर्म पर साइन करें। ये भी जांच लें कि पूरा फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं। ज्यादातर एजेंट कई जानकारी छिपाने की सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है और पॉलिसी का क्लेम बीमा कंपनी में जाता है तो बीमा कंपनी अपने अनुसार उसको चेक करती है।
अगर बीमा लेते वक्त पॉलिसी धारक के द्वारा दी गई जानकारी उपयुक्त नहीं होती तो बीमा कंपनी द्वारा उस दावे को रोका जा सकता है। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें, अपनी मेडिकल कंडीशन, अपना बिजनेस, अपना पारिवारिक कंडीशन, पारिवारिक हिस्ट्री इत्यादि को बड़े ही ध्यान से भरें और पूरा फॉर्म भरने के बाद ही उसकी जांच करें, वरना क्लेम लेते वक्त नॉमिनी को बीमा कंपनी द्वारा दावे में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी लेते वक्त फॉर्म में अपनी पुरानी पॉलिसी की कंडीशन, जिसके बारे में फॉर्म में पूछा जाता है, सही सही भरनी चाहिए, ताकि बीमा कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय कंडीशन या मेडिकल संबंधी आधार को जाना जा सके। अगर ये जानकारी सही नहीं दी गई है तो बीमा कंपनी इस दावे को नकार सकती है। इसलिए हमेशा प्रस्ताव फॉर्म को सभी सूचनाएं जो भी हो सही सही ही भरनी चाहिए, ताकि नॉमिनी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कॉमन जानकारी कि एक व्यक्ति को कितना बीमा लेना चाहिए और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।